जय शनिदेव। आज 18 जुलाई दिन मंगलवार, तुला राशि और जिन भी लोगों का नाम आर और टी अक्षर से शुरू होता है, मैं स्वामी राजर्षि आज के दिन की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये आपके पूरे दिन को प्रभावित कर सकती हैं। और आज इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी है, तो इनको ध्यान से सुन लीजिएगा ताकि दिन को बेहतर तरीके से आप व्यतीत कर सकें। बिना विलंब के साथ आज के राशिफल की चर्चा को शुरू करना चाहता हूँ। देखिए, आपके अंदर बचपना बहुत है और उससे भी ज़्यादा आपका भोलापन है, जिसका लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो सबके सामने इस भोलेपन को, इस बचपने को व्यक्त करने से पूर्व आप दो बार सोच लें, क्योंकि कोई आपका दुरुपयोग कर सकता है, आपकी इस दशा का फायदा उठा सकता है। अपने आर्थिक मोर्चे को कमजोर होने से बचाने के लिए बहुत जरूरी है आज क्रिएटिव थिंकिंग। आपकी जो क्रिएटिविटी है वो कहीं बेकार जा रही थी, आप व्यर्थ की चीजों में अपना समय बर्बाद कर रहे थे, परंतु यदि आप इस टाइम को क्रिएटिवली अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने में लगाएंगे, तो निश्चित रूप से आगे चल के अपने लिए एक अच्छा बैंक बैलेंस खड़ा कर पाने में आप सक्षम हो सकेंगे। तो अपनी क्रिएटिव स्किल को आज आपको अपनी फाइनेंशियल यूटिलिटी बनाना चाहिए। कोई शुभ खबर आपके परिवार को आज खुशी से झूमने पर मजबूर कर देगी, तो इस लिहाज से बहुत अच्छा दिन है। हो सकता है परिवार में किसी का रिश्ता पक्का हो गया हो, या फिर ऐसी ही कोई शुभ सूचना कि किसी ने कोई नई घर लिया हो या फिर नई कार ली हो, कुछ ऐसी खुशखबरी आपको मिल सकती है जो आपको निश्चित रूप से आज सुख से भर देगी। आगे बढ़ने से पूर्व मैं आप सभी भक्तगणों को एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। अगर अपने जीवन में आप किसी भी परेशानी का सामना कर रहे हैं जिसका उपाय आपको नहीं मिल पा रहा है, तो हो सकता है ये नवग्रह देवता आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन में ना बैठे हों। हो सकता है आपके शनि की कोई बुरी दशा चल रही हो, या फिर आपकी कुंडली में कोई दोष हो। इन दोषों का निवारण हो सके, इसके लिए हमने एक निशुल्क नवग्रह यज्ञ का आयोजन हम अपने शनिपीठ मंदिर में करने वाले हैं, जिसमें आप आहुतियां दे सकते हैं और ये आहुतियां एकदम निशुल्क होने वाली है। इसके लिए आप हमारे शनिपीठ मंदिर 16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में आ सकते हैं। ये यज्ञ 27 जुलाई, इस तारीख को नोट कर लीजिएगा, 27 जुलाई गुरुवार के दिन, यानी कि अगले हफ्ते को गुरुवार के दिन पर होने वाला है। और इस यज्ञ में शामिल होने वाला यजमान निश्चित रूप से अपनी सभी परेशानियों से आज के दिन मुक्ति पा सकता है। तो आप हमारे यज्ञ में पर्सनली आ सकते हैं और आहुतियां दे सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन माध्यम से भी हमारे यज्ञ से जुड़ सकते हैं और मानसिक आहुतियां दे सकते हैं। जो कोई हमारे शनिपीठ मंदिर के जो भक्तगण हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं किसी भी माध्यम से, उन्होंने पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाया हो, या फिर हमारे मंदिर से कोई अंगूठी ली हो, कोई मंत्र सिद्ध लॉकेट लिया हो, या कोई बाजूबंद लिया हो, वो बाय डिफॉल्ट इस नवग्रह यज्ञ के अंदर शामिल। तो वो लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, वो उन लोगों के नाम से आहुतियाँ मैं स्वामी राजर्षि स्वयं दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, शादीशुदा जीवन में कई सारी तकलीफें, तकरार, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आज के दिन आपको आती हुई दिखाई दे सकते हैं, परंतु दिन ढलते ढलते इन परेशानियों का उपाय भी आपको नजर आने लगेगा। कैसे इस स्थिति से उभरा जाए, बेहतर बनाया जाए, अपने जीवन को आर्थिक दृष्टिकोण से और मजबूत किया जाए, साथ साथ पारिवारिक सुख की स्थापना घर में कैसे हो सके, ये सभी मोर्चों पर दिन का ढलना आपकी इन परेशानियों को भी अपने साथ लेकर चला जाएगा। तो इस लिहाज से आज का दिन ज़्यादा खास नज़र आ रहा है। जो आप लोग नौकरी करते हैं, वहाँ पर जो आपके सहकर्मी हैं, वो हो सकता है आज बड़े लड़ाकू स्वभाव के आपको प्रतीत हो,
बात बात पर उनसे विवाद होने की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर अपनी जुबान पर संयम बनाए रखना एक अच्छा विकल्प हो सकता है, अपनी भावनाओं में बहकर रिश्तों को खराब करने से बचें। चलिए अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट उपाय आप लोगों को बताता हूँ, जो निश्चित रूप से आर्थिक रूप से आपको मजबूत करेगा, माता मां लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि आप पर बने, इसके लिए ये तुला राशि के जातकों को उपाय जरूर करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपके घर में गमले हैं तो वहां पर हरे रंग के मार्बल के दाने या हरे रंग के पत्थर यदि आप उन पौधों में रखते हैं तो इससे घर की आर्थिक स्थिति में इम्प्रूवमेंट निश्चित है, तय है, जरूर आर्थिक मोर्चे पर आपको फायदा होगा। तो हरे पत्थर या फिर हरे मार्बल के दाने आप अपने घर में जितने भी पौधे हैं, गमले हैं, उनमें आप रखें, निश्चित रूप से माता मां लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी को प्राप्त होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से एक अच्छा दिन है, वहां 5 स्टार देना चाहूंगा, परंतु धन संपत्ति और व्यवसाय की दृष्टि से अच्छा दिन नजर नहीं आ रहा है, वहां 2 स्टार दूंगा। पारिवारिक दृष्टि से आज का दिन सामान्य है, वहां 3 स्टार दूंगा। और रिलेशनशिप और वैवाहिक दृष्टि से आज के दिन में आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए वहां पर 2 ही स्टार देना चाहूंगा। लकी नंबर सभी तुला राशि के जातक नोट कर ले, ये नंबर है 3, इसका उपयोग जरूर करना, ये आपको फायदा जरूर पहुंचाएगा। जय शनिदेव। अब आपको अपने रोज रोज के झंझटों से मुक्ति दिलाने के लिए हमारे शनिपीठ मंदिर की ऐप एस्ट्रोलॉजी बाय गुरुजी पर एक मेजर अपडेट आ गया है। अब इस ऐप के माध्यम से आप अपने परिवार का डेली राशिफल देख सकते हैं। इस राशिफल में हम आपको पहले तो शॉर्ट में बताते हैं कि आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद विस्तार से भी दिन की सभी घटनाओं की डिटेल देते हैं। इसके साथ साथ आपको मिलेगा अपने लकी नंबर और लकी कलर की भी जानकारी, जो उस दिन पर आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ है, और ये आपकी जन्म कुंडली पर आधारित है। ये कोई ऐसा वैसा कॉमन राशिफल नहीं है, आपकी जन्म कुंडली पर आधारित राशिफल है। जब आप अपने जन्म की सटीक जानकारी हमें देंगे तो आपको ये राशिफल मिल जाएगा। इसके साथ साथ अब हमारे शनिपीठ मंदिर की ऐप पर आप अपने और अपने परिवार के लिए हर परेशानी का जो उपाय है वो मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी जो जानकारी है वो हमें लिखकर भेजनी है, अपनी परेशानी हमें लिख के भेजनी है हमारी ऐप के माध्यम से ही, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या उपाय करना आपके लिए सबसे अच्छा साबित होगा, जो जल्द से जल्द आपकी सभी परेशानियों का समाधान करेगा। ध्यान दीजिए, ये सभी उपाय वैदिक ज्योतिष पर आधारित होंगे, ये हमारे गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा दिए गए होंगे, तो इनका नियम से पालन जरूर करें। श्रद्धा भाव से जो कोई व्यक्ति, जो कोई भक्त इन उपायों का पालन करेगा, निश्चित रूप से उसके जीवन में सभी बदलाव जरूर आएंगे। जय शनिदेव। जल्दी से जल्दी इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, ऐप पसंद आए तो इस पर 5 स्टार रेटिंग देना ना भूलें, ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक इस फ्री सेवा को पहुंचाया जा सके। इस ऐप को डाउनलोड करने का जो डायरेक्ट लिंक है वो कमेंट सेक्शन के पहले लिंक पर हमने पिन किया हुआ है, वहां से भी आप हमारी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी सभी जानकारी एकदम गोपनीय रखी जाती है, तो बिल्कुल भी उसमें परेशान ना हो, अपनी सटीक सटीक समस्या को लिख कर भेजें और अपना डेली राशिफल बड़ी सरलता से रोज आप ऐसे ही प्राप्त कर सकते हैं। हमारी जो शनिपीठ मंदिर की एस्ट्रोलॉजी बाय गुरुजी ऐप है, गूगल पर एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में एक सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ रेटेड 5 स्टार रेटेड ऐप है, जिस पर आप इतने सारे 5 स्टार रिव्यू देख सकते हैं। ये सभी हमारे मंदिर के भक्त हैं, हमारी ऐप के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप भी देर मत कीजिए, जल्दी से जल्दी इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। जय शनिदेव। जय शनिदेव। मेरा नाम कपिल देव है, मैं दिल्ली के दक्षिणपुरी एरिए से आया हूँ। मैं यहाँ गुरुजी से आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, गुरुजी ने मुझे ये बाजूबंद दिया था जिससे मुझे व्यापार में लाभ हुआ है, जिसके कारण मैं गुरुजी के पास दोबारा आया हूँ। अगर आप में से किसी भी मेरे भाई या बहन या मेरे बड़े पिताजी की उम्र के एवं बड़े व्यक्ति या बुजुर्ग आदमी को या माता जी को किसी को समस्या हो तो वह 16/24 ईस्ट पटेल नगर में आके गुरु रजनीश ऋषि गुरु राज ऋषि जी से स्वयं मिले,
आपकी उनके ऊपर कृपा बनेगी, आपकी परेशानियों को हल मिलेगा आपको। जय शनिदेव। जय शनिदेव। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी आपका जो ऋण भेजे थे उससे भी बहुत फायदा हुआ मेरे को। मेरा काम धाम बराबर सही नहीं चल रहा था, आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा काम चला और वो लॉकेट भी काम बहुत करा, बाजू बंद दिए थे वो भी काम करा बहुत। गुरु जी आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा काम धाम चला, मगर आप भी थोड़ा अपना आशीर्वाद हमेशा के लिए हमारे सर पे बनाइए रखिए। आपसे ही विनती करूँगा गुरु जी, कर्जा से तो मुक्त हो गया हूँ, थोड़ा बहुत और है कर्जा, हो जाएंगे आपका आशीर्वाद लगे तो। आपसे यही विनती करूंगा गुरु जी, कुछ और ऐसा करिए, कुछ और आगे मैं निकल जाऊं, अपना खुद को या मैं मकान बना सकूं हैदराबाद में जमीन लेके। मैं आपसे यही विनती करना चाहता हूं गुरु जी, थोड़ा काम दाम खूब दबा के चलना और पैसा किधर भी रुके नहीं, मेरा पैसे फंस जा रहा है, रुक जा रहा है। आपसे यही विनती है गुरु जी, थोड़ा आशीर्वाद बनाइए, कोई और उपाय बताइए गुरु जी। मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए गुरु मान लिया हूँ। जय शनिदेव। गुरु जी प्रणाम, हमेशा अपना आशीर्वाद बनाइए रखिएगा। इस वीडियो को अपने भाई बहनों परिवारजनों मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य माध्यमों पे आप शेयर जरूर करें।